आज जो बात करने वाले हैं वो हम आपसे बात करने वाले हैं कि कैसे घर बैठे आप अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया कि सर हम बहुत परेशान हैं अपने भविष्य को लेकर। तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आपके भविष्य के बारे में। तो जाने अपना भविष्य, ये वीडियो बहुत कुछ मदद करने वाली है आपकी, आपके भविष्य को बताने के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो क्या होते जो हाथ होता है, इस हाथ में आपको भगवान की तरफ से या तो शंख और या तो चक्र मिलता है, और ये शंख और चक्र बताते हैं कि इस भविष्य के लिए आप जो परेशान हैं इसमें कहाँ तक आप जा सकते हैं, ये शंख और चक्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप ऐसे बिल्कुल गोल गोल ये ऐसे ऐसे बना हुआ है तो ये निशानी है भैया चक्र का। देखो ये बना हुआ है, अगर ये ऐसे ऐसे बना हुआ है तो ये निशानी होगा किसका, ये निशानी होगा चक्र का। और अगर ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो ये जो निशानी होगा ये शंख का निशान होगा। यानी आपके जो हैं उंगलियां हैं, इस उंगलियों में शंख के निशान भी होंगे और चक्र के निशान भी होंगे, और यही शंख और चक्र के निशान आपके भविष्य के बारे में बताते हैं। तो बिल्कुल हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि कैसे भाई हम शंख और चक्र से क्या करते हैं, बता पाते हैं कि भाई कैसे हमारा भविष्य होगा, क्या होगा हमारे भविष्य में, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भैया टेंशन नहीं लेना है, हम आपके पास आ चुके हैं समस्या का समाधान लेकर। तो देखो सबसे पहले ये बता देते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका भाई अंगूठा होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका अंगूठा हो गया, और अंगूठा के बगल वाली ये तर्जनी कहलाती है। जे तर्जनी देख मुरझाई ना, ठीक है, मर जाई, ठीक है, मतलब तर्जनी देख कर क्या है, तर्जनी ये यहाँ कुम्हर बतिया को नहीं, मतलब यहाँ कोई कुम्हर बतिया नहीं है, जो तर्जनी देख मुरझाई मतलब तर्जनी देख कर वो मुरझा जाए। तो याद रखना जो फिंगर हम दिखाते हैं वो तर्जनी होती, और ये आपकी बीच वाली क्या होती, ये कहलाती है मध्यमा, और ये जो फिंगर है ये कहलाती है आपकी कनिष्ठ, और ये आपकी कहलाती है अनामिका। क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है अनामिका। और ये जो चक्र और शंख होते ये यहाँ पर पाए जाते हैं, देखो मैं बता दूं, ये आपको यहाँ पर पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, मतलब उंगली के सबसे ऊपर पाए जाते हैं ये, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कि आपको चेक करना है कि आपके फिंगर में कितने कितने शंख हैं और कितने चक्र हैं, तो इसके लिए तैयार हो जाइएगा। अगर किसी पुरुष या महिला के, ध्यान देना है इस बात को, अगर किसी पुरुष या महिला के एक उंगली मतलब एक अंगुली पर शंख का निशान है, किसी भी अंगुली पर शंख का निशान है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, बड़े पदों पर बैठते हैं, और सरकारी नौकरी में ऊंचे पोस्ट पर होते हैं या राजनीति से जुड़ते हैं। ध्यान रखना है, या तो आपके भाई आपके अगर हम अंगुलियों की बात करें तो अंगुलियों में या तो शंख होंगे या तो चक्र। एक अगर आपका शंख हुआ तो 9 आपके चक्र हुए। एक शंख अगर आपको मिलेगा तो आप जा सकते हैं सरकारी नौकरी के ऊंचे पद पर, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे आप, राजनीति से भी जुड़ सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है, जब एक शंख होगा आपके किसी भी उंगली पर, 10 में एक, अगर आपका 2 उंगलियों में है मतलब 10 में अगर 2 उंगलियों में क्या है शंख है, तो भैया बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन होगा, मतलब आप क्या, आपका जो भी जीवन है वो संघर्ष के साथ चलेगा, संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा, बहुत संघर्ष करना होगा अगर 10 उंगलियों में से 2 उंगलियों में शंख है तब, ठीक है। अगर आपके 3 शंख है मतलब आपके 3 उंगलियों पे क्या है शंख है, 3 उंगलियों पे शंख है, तो भाई ध्यान रखना है
लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं भौतिक सुविधाओं पर खर्च करते हैं, महंगी गाड़ियाँ, रिहायशी और बड़े बड़े मोबाइल, अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन, है ना। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, पीओ बनते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। मतलब देखो, एक अगर होगा तो उच्च पद, दो अगर होगा तो संघर्ष, तीन अगर होगा तो ऐसे लोग लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये लोग सरकारी सेवा में जा सकते हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग हो। तीन यानी सात पे चक्र होगा, तीन पे शंख होगा। लेकिन चार वाले क्या करेंगे, देखो अगर चार अंगुलियों पर शंख है तो वो किसी राजा के समान जीवन जीते हैं, समाज में इन्हें सम्मान मिलता है, और कह सकते हैं जिस क्षेत्र में जाते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें सम्मान मिलता है, और मंत्री विधायक बड़े पद ये पाते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, ये व्यापार बड़ा स्थापित कर सकते हैं चार। लेकिन देखो एक पे अगर एक शंख है, एक पे मैंने बताया था कि अगर आपके क्या है कहीं पर भी एक है, एक संख है तो उसका बता दिया, दो का बता दिया, तीन का बता दिया और चार का बता दिया कि चार वाले भाई विधायक और सांसद बनते, ठीक है। पांच अगर है तो पांच वाले क्या होते हैं, ये बहुत प्रतिभावान होते हैं, मतलब बहुत गुड़ी होते हैं, और ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं और देश विदेश में अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। पांच उंगलियों में अगर संख का निशान है, लेकिन छह पर है तो क्या करोगे। अगर आपके छह पर क्या है, शंख है, मतलब चार पे चक्र है, तो छह उंगलियों पे शंख हो तो वो क्या होते हैं, उनकी बहुत बुद्धि होती है, ठीक है, बहुत विचार वाले होते हैं, उपदेशक होते, संत होते, वैज्ञानिक होते हैं, और ये समाज को नई दिशा देते हैं। लेकिन सात अगर है तो क्या करोगे। यदि हाथों की सात उंगलियों पे शंख होना है तो भी व्यक्ति क्या करता है, दुखी जीवन व्यतीत करता है। दो और सात याद रखना है, दो और सात अगर है शंख तो भी उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा टेंशन आती है। शादी के बाद इनकी लाइफ और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। दो और सात, दो वाला संघर्ष से जीता है, सात वाला भी ऐसे संघर्ष तंगी से जीता है, तो दो और सात वालों को देखना होगा। अगर आठ है तो भाई ऐसे जो लोग होते वो बहुत खास जीवन तो नहीं जीते, लेकिन ये मेहनती बहुत होते। अगर क्या है आठ संख है तो खास जीवन नहीं जीते, मेहनती बहुत होते, जीवन में सब कुछ पाते जो पाना चाहते हैं, और भाई क्या है अपने रिश्तों से भी लाभ पाते हैं, और इनके रिश्ते कभी कभी मदद करते हैं इन्हें आगे ले जाने में। मतलब अभी जो टेंशन आई है वो दो और सात के लिए आई है। नौ, हाथों की अंगुलियों पे अगर नौ संख है तो भैया जान लीजिएगा स्त्री वाले गुण उसमें होंगे। कौन से गुण होंगे, स्त्री वाले गुण, मतलब महिलाओं को देखकर बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, महिलाओं से बात कर लेगा, महिलाएं उसकी दोस्त हो जाएंगी, ठीक है। महिलाओं की सोच होती है परंपरागत, जहां क्या होती परंपरागत सोच होगी, महिलाओं को बहुत सहयोग मिलेगा, और 40 के बाद नौ संख वाले जो होंगे उनका जीवन बहुत अच्छा होगा, इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर 10 है, अगर आपको क्या है, अगर कहीं पर आपको ध्यान रखना है कितने संख हैं, 10 संख अगर दिए गए हैं तो एक चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि 10 संख अगर हैं तो भैया क्या है, तब क्या है ये महानता, बहुत महान तो नहीं होता है लेकिन हाँ सम्मान के साथ ये लोग जीते हैं अगर 10 संख। लेकिन अगर 10 चक्र हैं तो वो चक्रवर्ती राजा कहलाता है, ठीक है। मतलब वो आपका क्या होगा, वो बहुत प्रतापी व्यक्ति होगा, उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत संघर्ष करने की क्षमता होगी, बहुत आगे जाने वाला व्यक्ति होगा। अगर 10 चक्र है तो संख नहीं, संख है तो सम्मान मिलता है, ठीक है, संख है तो सम्मान मिलता है। और अगर एक बात याद रखो, संख कहां पर है, अगर संख किसी के, ये याद रखना है, अगर शंख कहीं पर क्या है, शंख किसी के हथेली में, हथेली का मतलब ये है, और यहाँ पर कहीं पर शंख बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका, ये हथेली आपका है, तो हथेली में यहाँ पर ये शंख बना होगा, और या फिर यहाँ पर शंख बना होगा, तो याद रखिए वो उसको विदेश जाने का मौका मिलेगा, व्यापार से धन कमाएगा, धार्मिक विचार वाला होगा ये व्यक्ति, ध्यान रखना इस बात का। और चलिए अगर अंगूठे पे, भाई ये आपके पांच हो गए, अंगूठे पे चक्र का निशान है, अंगूठे पे चक्र का निशान है तो पापा का सहयोग करेगा, पापा का सहयोग करेगा, ठीक है, यश बहुत होगा,
पूर्वजों की संपत्ति मिलेगी उसको, ठीक है। और अगर अंगूठे पर निशान नहीं है तो संपत्ति की देखभाल नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब अगला देखो, अगर क्या होता है, अगर एक बात और याद रखना है, किसी जातक के तर्जनी यानी अंगूठे के पास वाली यानी इस पे तर्जनी पे अगर चक्र का निशान है तो ऐसे भाई क्या होते हैं, व्यक्ति धनवान होते हैं, मित्र के साथ चलते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सांसारिक सुखों का भोग करते हैं। मतलब अंगूठे पर है तो अच्छा ही है, अगर इस पर है तब भी वो क्या करेंगे, पैसा उनके पास होगा, ठीक है। मध्यमा यानी बीच वाली उंगली पे चक्र होगा तो ध्यान रखना है, ये उंगली शनि की होती है, शनि की कृपा बनी रहती है, धनवान होते हैं और उंगली पर चक्र नहीं होता तो परिश्रम के दम पर बड़े नेता या अधिकारी बनते, फिर परिश्रम करना पड़ेगा अगर यहां पर है तो, ठीक है। चलो अगर देखो, अनामिका यानी सबसे छोटी उंगली पर क्या होता है, सबसे पास वाले छोटी अनामिका यानी छोटी उंगली के पास ये वाली उंगली लगातार परीक्षा लेता है, भौतिक सुख आपको मिलेगा और इसे सूर्य की उंगली माना जाता है, लेकिन इस पर अगर आपका चक्र है तो ये शुभ नहीं माना जाएगा। मतलब आपको क्या होगा, आपको लगातार मेहनत करनी होगी, मेहनत करोगे तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है। और जिसके कनिष्ठ मतलब सबसे छोटी पर अगर चक्र का निशान मिलता है आपको तो एक बात आपको क्या करनी पड़ेगी, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया मेरे यहाँ पर क्या होगा, जिस जातक की कनिष्ठ अंगुली पर क्या होता है, चक्र होता है, व्यापार में बहुत धन कमाता है वो, ठीक है। यहाँ पर अगर है तो व्यापार सामान चलता है और मेहनत करने पर ही सफलता मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपका प्रभु कल्याण करें। आप अपने क्या करिए, अपने फिंगर में चेक करिए कितने चक्र हैं, कितने संख हैं और उसके बाद अपना लाइफ खुद ही देख लीजिए और इसी तरह के वीडियो को देखते रहिए, लाइक भी करते रहिए और शेयर भी जरूर करिए। प्रभु आपका कल्याण करें।